मैं नेता नहीं हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मैं केवल जनता का आदमी हूं, आम आदमी हूं, आम आदमी के दर्द को समझता हूं। और जो हम कहते हैं पूरी एक्सरसाइज करके एक एक पैसे का हिसाब करके बोलते हैं। एकदम बुरा आला पानी है, नहीं मोल कितना खरीदो पियो कि का खाना बनाओ का करो सफाई के, बदबू वाला पानी आ रहा है, समझ सेवल का पानी वो भी मतलब ना उठावे तो आदमी कहाँ जा, फिर गुजारा कैसे होगा। मोटर चलाते तो गटर वाला पानी आता है सारा पीने वाला, कीड़े आते हैं पानी में। और बिजली की भी समस्या है, बिजली जाएगी तो कितनी तेजी जाती है, गर्मी मर जाओ, अंदर ही घुट घुट के रह जाओ, किसी अमलेटर नहीं है तो क्या करे, फिर उस गुजारे में रह के पंखी आंखों कितना गुजार गए, गाँव मत हाल हो जाती है फिर तो। आपने देखा होगा, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके सामने जो कहा सो करके दिखाया, आतंकवाद की जननी कश्मीर में धारा 370 सदैव के लिए समाप्त हो गई, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज आप देख रहे होंगे, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ भी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। चलिए, और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का बहुत बड़ा ये फैसला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बदलाव को मंजूरी दी है। देश के 100 करोड़ हिंदुओं का सपना साकार होने के करीब है, भगवान प्रभु श्री राम की नगरी का कायाकल्प होने वाला है, रामलला की अयोध्या नगरी कैसी होगी, सरयू नदी में घाट कहां कहां होंगे, दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं का यहां तक आवागमन कैसे होगा, अयोध्या का पूरा विकास मॉडल कैसा होगा, इसकी पूरी परिकल्पना तैयार हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी निगरानी में इस पर काम हो रहा है, उनकी निगरानी में दिशा निर्देश उनकी तरफ से आ रहे हैं ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर निर्माण में रत्ती भर कमी ना रह जाए।